जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो देखो, जो हरियाणा पुलिस में तरफ फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट है वो तरफ फाइनली आउट हो चुका है, जो कि तुम कल देख चुके हो। और किस का रिजल्ट में नाम आया है, किसका नहीं आया है, क्या तारीख कट ऑफ रही है, और वो चीज़ तुमने देख ली है। लेकिन आज हम डिस्कस करांगा कि जो तारीख कट ऑफ बनी है वो कट ऑफ तारीख सही है या फिर गलत है। क्या वास्तव में तारीख रिजल्ट में कोई धांधली हुई है या फिर नहीं। और इसके साथ ही साथ है, जो हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में तारीख एक और पोस्ट है दुर्गा शक्ति की, जिसका एग्जाम कंडक्ट होया है कद 12 दिसंबर ने। तो इसका जो एग्जाम का रिजल्ट है प्लस में इसको जो फिजिकल की डेट है, और इसके साथ ही साथ दुर्गा शक्ति की जो कट ऑफ है, कौन कौन सी कट ऑफ है, एक तो फिजिकल आई, दूसरी तारीख फाइनल है, तो ये क्या कुछ रह सका है। और दुर्गा शक्ति के एग्जाम में तरह जो मेथड अब फीमेल कॉन्स्टेबल में अप्लाई हुआ है नॉर्मलाइजेशन, वो अप्लाई हो गया फिर नहीं, चलो वो सर डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले जो तारा हरियाणा पुलिस में फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट है वो तुमने दिखा दी हूँ, माने बेरा है कि रिजल्ट तुम देख चुके हो और जो भी जानकारी है वह शायद तुमने पता भी होगी। लेकिन एक बात छोटी मोटी जानकारी एक बार शॉर्ट में बता दी हूँ कि इसमें जो तारा रिजल्ट आया है ना वो बिल्कुल देखो साफ साफ शब्द में लिख रखा है कि जो तारा रिटर्न एग्जाम था वो तारा मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इसी वजह से जो भी तारा रिजल्ट देखो जो प्रिपेयर किया गया तैयार किया गया है वो है नॉर्मलाइज्ड स्कोर परसेंटाइल, यानी कि जो चीज़ तारी अब तुमने देखने न मिली है ना कट ऑफ है वह तारी ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, वह तारी नॉर्मलाइजेशन स्कोर का बात की कट ऑफ है। अगर बात करूँ मैं कट ऑफ कितनी गई है तो एक बार फिर तक देख लियो, थोड़ी इसी बार की बात है, जनरल की 396 पोस्ट है और कट ऑफ कितनी गई है जनरल की, तो देखो वह गई है थोड़ा सा नीचा हो और कड़े सी लिख रखी है, थोड़ा सा और नीचा आना पड़ेगा यह लिख रखी। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है 108.73। इसका क्षति जो है तारी वेटिंग लिस्ट भी दे रखी है कि मान लो बाई चांस से तारा इन मत है कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ज्वाइन ना करे या फिर बाहर हो जाए, फिर किसी अदर पोस्ट में सिलेक्ट हो जाए, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन है, तो अगर कोई पोस्ट खाली रह जाए तो उसकी जगह जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो तारी पोस्ट भरे जाएंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट की वह गई है 158.54। इसके बाद में है 80 के टोटल 198 पोस्ट हैं, तो 80 की जो कट ऑफ गई है वह कितनी गई है, तो 80 कट ऑफ गई है 104.21। उड़े बात करें 80 की वेटिंग लिस्ट की कितनी गई है, वह गई है 103.71। देन अगर बात करें बी सी ए 154 पोस्ट है और इसके जो कट ऑफ गई है बी सी ए की आपकी वो गई है 106.97, कितनी गई है 106.97 है। और बी सी ए वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ कितनी गई है, तो वह गई 106.68 है। और एक चीज़ नोट करिए, जो भी तारीख कैटेगरी है और इन सभी कैटेगरी की जो भी तारीख वेटिंग लिस्ट है और फाइनल लिस्ट है, तो इसमें जो अंतर है ना मात्र तरफ पॉइंट का फर्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें देखना नहीं मिला है। देन बात करा जो आपकी अगली कैटेगरी है बी सी बी कैटेगरी, जिसके टोटल पोस्ट कितने हैं, बी सी बी का टोटल 88 पोस्ट हैं, तो इसमें जो कट ऑफ बनी है वह बनी है 107.96। बी सी बी की वेटिंग कट ऑफ कितनी बनी है, वह बनी है सेम 107.96। इसके बाद में ई डब्ल्यू एस टोटल कितनी पोस्ट हैं, 110 पोस्ट है। और अगर बात करें ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ की, तो वह बनी है 108.65 है, और ई डब्ल्यू एस की वेटिंग कट ऑफ कितनी बनी है, वह बनी है 108.58 है। उसका बाद में जो तारीख एक्सक्रेशमेंट की कैटेगरी है उसमें तुम कैटेगरी अपन कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट की और तारीख फाइनल लिस्ट की चेक कर सको हो। अब इसमें देखो जो थोड़ी एक ऐसी चीज़ें जो तुमने बेरा होना चाहिए वो ये है कि जो तरह रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस बेस पर हुआ है और किस में हुआ है। तो आड़ लिख रखे है कि जो भी तरह क्राइटेरिया है ना रिजल्ट का वो क्यों कर तैयार हुआ है, तो देखो वो तरह हुआ है 3 तरीका थे। एक है रिटर्न एग्जाम का, वैसे तरीके 2 हैं जो आपके लास्ट के 2 और 3 तरीके हैं ना वह तारे एक ही चीज़ के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट है रिटर्न एग्जाम का, जो कि टोटल कितने नंबर का हुआ था, 80 नंबर का हुआ था। और एक बात देखो कि परसेंटाइल स्कोर आउट ऑफ है 100। अब यह चीज़ थोड़ी सी ध्यान तक समझ लियो कि जो तारा एग्जाम था ना वो तो कितने का था, वो था 80 नंबर का, लेकिन इस 80 नंबर ने कितना मान्या गया है, इस 80 नंबर
मैंने 100 नंबर मान की वो तरह परसेंटाइल का एक सौदा है, एक तरीका है, एक मेथड है, वो मैं अलग से एक वीडियो में तुमने आसानी से समझा दूंगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक से। तो एक छोटी सी बात समझ लो कि 80 नंबर ने तरह 100 नंबर मान की और फिर तारी कट ऑफ बनी है किसकी, रिटर्न एग्जाम की मैं बात करूँ। फाइनल कट ऑफ में थोड़ी सी एक और सुनो कि जो तारी अगली जो चीज़ इसमें काउंट हुई है ना वह है तारे एक्स्ट्रा 20 नंबर जो कि तारे नंबर 2 और नंबर 3 में बताए गए हैं कि आपके जो एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10 नंबर प्लस में मिसलेनियस के 10 नंबर हैं इन 20 नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ कौन ही हुई, जो भी तरह स्कोर है किसका, रिटर्न एग्जाम का जो कि 80 नंबर 100 नंबर मान के हुई है, और इस 100 नंबर में जो तरह स्कोर बने हैं ना कौन सा नॉर्मलाइजेशन का बाद में तरह परसेंटाइल स्कोर है उस स्कोर में तारे एक्स्ट्रा 20 नंबर जोड़े गए हैं और फिर जो तरह रिजल्ट है ना वो आउट हुआ है। तो यह चीज़ समझने की है कि तारा जो नॉर्मलाइजेशन होया है वो तारा पूरे 100 नंबर पर कौन हुआ है बल्कि 80 नंबर पर होया है, 20 जो तारे एक्स्ट्रा नंबर वो तारे जिन को तो जोड़े गए हैं, ठीक से। ये बात जो तुमने नोट करनी है, बात करा कि ये जो तारा स्कोर है या फिर जो भी तारा रिजल्ट है तो इसमें जो कट ऑफ बनी है वो टोटल तारे 100 नंबर तो ऊपर जा रही है, तो ये सही है फिर गलत है। तो एक बात तुमने साफ साफ बताऊं, बेशक चाहे चीज़ सही हो चाहे गलत हो, जो चीज़ तारी आली है वह एक्सेप्ट हमने करनी पड़ेगी, जो भी तारा सिस्टम है उसका जो है तुमने सामना करना पड़ेगा। यह चीज़ चाहे सही हो चाहे गलत हो, सिस्टम के खिलाफ कुछ भी कोने कर सका, क्योंकि पीछे जो तारा रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया था ना उस टाइम भी हमने जो कदम उठाए थे कि यो चीज़ बहुत गलत है, 40 साल का हो रहा है सर, 60 साल कौन नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम भी कोई इफेक्ट कौन नहीं पड़ा। तो ये भी यही बात कहूँ कि सही गलत ना देखो, जो है ना बस उसका खिलाफ तैयार रहो, अपने तैयारी में लगे रहो। अगर इस बार आपका हो गया सिलेक्शन है तो बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर इस समय नहीं हुआ है फीमेल कॉन्स्टेबल में तो दुर्गा शक्ति का एग्जाम भी बाकी है जो कि तरह कंडक्ट तो हो लिया लेकिन रिजल्ट वगैरह फाइनल रिजल्ट वगैरह बाकी है, तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है तुम फिजिकल में बढ़िया दे सको हो अगर तारा रिटर्न एग्जाम का स्कोर बढ़िया बन रहा है। अब बात करना चलो दुर्गा शक्ति के एग्जाम के बारे में, तो सबसे पहले जो चीज़ दुर्गा शक्ति का एग्जाम का बारे में शायद अगर तुमने वो वीडियो देखी हो तो तुम्हें पता भी होगी, आपको हमने अपडेट दी थी कि दुर्गा शक्ति की जो अब रिटर्न एग्जाम के बाद अगले प्रोसेस है वह सेम प्रोसेस है तारी फीमेल कॉन्स्टेबल की भर्ती के तरिया, कि अब जो है रिटर्न एग्जाम के बाद तारी फिजिकल होगी, फिजिकल का बाद में जो है तारा जो DV है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट वो कंडक्ट होगा, और उसके बाद में एक प्रोसेस शायद तारीख में काउंटर ना हो वह है कौन सी, वह थारी परी सिक्योरिटी रिजल्ट परी डॉक्यूमेंट रिजल्ट जो कि तार क्यों जारी हुआ था आपकी फीमेल कॉन्स्टेबल की भर्ती में, वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो आपके असह के एग्जाम में एक्स्ट्रा 20 नंबर के धांधली सामने आई थी उसको देखते हुए, और अब शायद ये चीज आपके जो है जारी न हो, मे बी आपका फिजिकल हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और उसके बाद डायरेक्ट आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आउट कर दी जाए। ओके, तो अब जो फिजिकल की जानकारी है कि सबसे पहले बात करा कि जो तारा रिजल्ट है वो कब तक आवेगा और फिजिकल कब स्टार्ट होगी, तो रिजल्ट का जो संबंध है ना वो होता है फिजिकल तय और फिजिकल का संबंध है रिजल्ट तय है। तो देखो 28 दिसंबर की मैं बात करूँ, डेट ध्यान से सुन लो, 28 दिसंबर ने जो हरियाणा पुलिस में मेल कॉन्स्टेबल की भर्ती है उसकी फिजिकल पूरी हो जाएगी, और 29 जस्ट उसके अगले दिन हाजी कानपुर को सुन लो, जस्ट उसके अगले दिन 29 और 30 दुर्गा शक्ति के फिजिकल के पूरे पूरे चांस है कि तारी कंडक्ट करवा ले जा, कोई जानकारी अपने दौरत को नहीं बतावा, जो भी जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से मिली है वह तमन बतावा है। जो चीज़ आपको उन्हें पहले बताई थी कि फीमेल कॉन्स्टेबल का रिजल्ट दिसंबर में आने के चांस है आ लिया है, और तारीफ फिजिकल दुर्गा शक्ति की 29 और 30 दिसंबर उनके पूरे चांस हैं वह भी देख दे रही हो, तारा आखिर शामी जो है कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करें ये वो 29 और 30 दिसंबर अगर तारीफ फिजिकल कंडक्ट हुआ है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2 से 3 दिन पहले तारा रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो तुम ये मानकर चल सको हो कि लगभग तारा
24 के आसपास, एक दो दिन ऊपर नीचा हो सका है, 30 या 25 हो सका है, लेकिन तुम 24 तारीख मान के चलो कि 24 तारीख ने जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम का रिजल्ट है वो आउट ऑफ कर दिया जाएगा। 29, 30 तारीख जो फिजिकल है वह तारीख कंडक्ट करवा ली जाएगी, और जस्ट इसके अगले दिन ही, इसके साथ ही साथ, फिजिकल के साथ ही साथ, जो तारीख डीवी की प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वह भी तारीख कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में जो फीमेल कॉन्स्टेबल की भर्ती है, इसका जो आपका फाइनल रिजल्ट है, इसमें जो देखने में टाइम लगे है, इतना टाइम दुर्गा शक्ति के एग्जाम को लग गए, क्योंकि उड़ा जो होने ऐसे के एग्जाम की वजह से तारे डॉक्यूमेंट पर कुछ सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन दुर्गा शक्ति में उनका जो है बहुत कम चांस होगा। ओके जी, तो ये छोटी सी जानकारी है, दुर्गा शक्ति का एग्जाम है उसके जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि कितने क्वेश्चन सही होने पर जो है तुम्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सको हो, तो एक मोटी मोटी अगर बात करूँ तो जो तारे एग्जाम का लेवल था, यानी कि ओवरऑल जो हरियाणा में के हमें पेपर है कि उम्मीद करा कि ऐसा पेपर देखने मिला है, हरियाणा जी के मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह, वो सारा सिस्टम था पेपर में आ रहा था, तो उस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग प्लस में जो तारी एग्जाम में अटेंडेंस रही है, अटेंडेंस कितनी रही है, 100 में मात्र 45% जो अटेंडेंस एग्जाम में देखने मिली है, देन आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन को नहीं हुआ, सब तो बढ़िया बात है, क्योंकि जो फीमेल कॉन्स्टेबल की तारी ई वाली भर्ती है ना, उसमें 40 लड़का हो रहा था, 60 लड़का को नहीं, 70 लड़का को नहीं हो रहा, लेकिन इसमें दुर्गा शक्ति में यह चीज़ कतई को नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन तारा अप्लाई को नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में तारी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को नहीं, तो इन सभी पॉइंट के आधार पर लगभग मैं सभी कैटेगरी जनरल, AW से SC, BCA, BCB, इन सारी कैटेगरी की मिलाकर मैं बात करूँ ना, तो तुम ये मानकर चलो कि अगर तारे 60+ क्वेश्चन सही है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचा हो सका है, लेकिन यह बात लिख लियो कि ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, 60+ क्वेश्चन अगर तारे सही है तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ज़्यादा टीम फिजिकल खतर तुमने नहीं मिलेगा जब तारा रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी है दुर्गा शक्ति के एग्जाम के बारे में, और फीमेल कॉन्स्टेबल का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। अब आगे यहाँ पर जिनका रिजल्ट में नाम आ चुका है उनका क्या होगा, उनका आगे कंडक्ट होगा जी मेडिकल, और मेडिकल कहाँ पर होगा, तो मेडिकल जो है ना तरह डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल हो है, उसमें तरह जो है मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, और दुर्गा शक्ति का फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी है, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अब अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सको हो। और दुर्गा शक्ति की मैं बात करूँ कि फाइनल कट ऑफ में फ़ायदा किसका होगा, तो सेम यह चीज़ तारीख उड़ा लागू होगी, जिसके एक्स्ट्रा जितने ज़्यादा नंबर होंगे, एक्स्ट्रा कौन से नंबर है, एक्स्ट्रा 20 नंबर है, तो 20 नंबर में तो जिसके भी न्यूमान का चालो कि 8 तक ऊपर ऊपर जितने घने नंबर होंगे उतने चांस तारीख सिलेक्शन के ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये कुछ आपकी एक छोटी सी अपडेट है फीमेल कॉन्स्टेबल की भर्ती के बारे में। आगे जैसे आपकी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है या फिर कोई ऐसे आपके कॉमन डाउट हैं भर्ती के बारे में जो कि हमारे सामने आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। जुड़े रहिए और फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। जय।